हर हर शंकर, जय जय शंकर। आज दर्शन करेंगे एक ऐसी गुफा के, जहां कहते हैं कि शिव के दर्शन कर कोई जीवित नहीं लौटता। रहस्यमयी है ये गुफा। भगवान शिव से जुड़े तीर्थों की जब बात होती है तो आमतौर पर केदारनाथ और अमरनाथ का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है। लेकिन मान्यता है कि अमरनाथ की गुफा में नहीं, किसी और गुफा में रहते हैं भगवान शिव। अमरनाथ से पहले एक और शिव गुफा है, जिसमें भगवान शिव के सब परिवार विराजने की धार्मिक मान्यता है। राज्य के जम्मू से कुछ दूरी पर स्थित है रियासी जिला। इस जिले में भगवान शिव का घर कही जाने वाली शिव खोड़ी गुफा स्थित है। यह भगवान शिव के प्रमुख पूजनीय स्थलों में से एक है। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि इस गुफा में भगवान शिव साक्षात विराजमान हैं, और इस गुफा का दूसरा छोर अमरनाथ गुफा में खुलता है। शिव खोड़ी की लंबाई 150 मीटर बताई जाती है। इस गुफा के अंदर भगवान शिव का 4 फीट ऊंचा शिवलिंग है। इस शिवलिंग के ऊपर प्राकृतिक तौर पर पवित्र जल की धारा सदैव गिरती रहती है। शिवलिंग के साथ ही इस गुफा में पिंडियां विराजित हैं। इन पिंडियों को शिव, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और गणपति के रूप में पूजा जाता है। आस्था है कि पिंडियों के रूप में गुफा में विराजित परिवार सहित भगवान शिव दर्शन करने पर अपने भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। धार्मिक कथा है कि इस गुफा को स्वयं भगवान शंकर ने बनाया था। इस गुफा को बनाने का कारण भस्मासुर को सबक सिखाना था। पौराणिक कथा के अनुसार भस्मासुर ने घोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उसने शिवजी से वर मांगा कि वो जिस किसी के सर पर हाथ रख दे वो भस्म हो जाए। शिवजी ने जैसे ही उसे वरदान दिया, वह राक्षस शिवजी को भस्म करने के लिए दौड़ पड़ा। भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव को उससे युद्ध करना पड़ा। रणसु वही जगह है जहां भगवान शिव और भस्मासुर के बीच भीषण युद्ध छिड़ा। इस रण के कारण ही इस क्षेत्र का नाम रणसु पड़ा। युद्ध के दौरान भस्मासुर हार मानने को तैयार नहीं था और शिवजी उसे मार नहीं सकते थे, क्योंकि खुद उन्होंने ही भस्मासुर को अभय का वरदान दिया था। भस्मासुर से पीछा छुड़ाने के लिए भगवान शिव ऐसी जगह की तलाश करने लगे जहां भस्मासुर उन्हें ढूंढ ना पाए। तब शिवजी ने पहाड़ों के बीच एक गुफा बनाई और उसमें छिपे। खुद शिवजी ने ही जिस गुफा का निर्माण किया वह शिव खोड़ी गुफा कहलाती है।
भगवान शिव को इस तरह गुफा में छिपा देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारा और भस्मासुर को रिझाने के लिए उसके समीप पहुंच गए। मोहिनी का रूप देखकर भस्मासुर सब कुछ भूल गया और प्रेमांध होकर मोहिनी के साथ नृत्य करने लगा। नृत्य के दौरान उसने खुद के ही सर पर हाथ रख लिया और हाथ रखते ही भस्म हो गया। भस्मासुर के खुद को ही भस्म कर लेने के बाद भगवान शिव गुफा से बाहर आए। शिवजी द्वारा निर्मित की गई इस गुफा का अंतिम छोर दिखाई नहीं देता है। मान्यता है कि जो कोई भी इस गुफा में स्थित शिवलिंग और पिंडियों के दर्शन कर गुफा में आगे की तरफ बढ़ता है वो कभी लौट कर नहीं आता। कहते हैं कि अंदर जाकर ये गुफा दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसका एक छोर अमरनाथ गुफा में खुलता है और दूसरे के अंतिम छोर के बारे में जानकारी ही नहीं है। शिव खोड़ी जाने के लिए आप जम्मू या कटरा दोनों जगहों से रूट ले सकते हैं। जम्मू से रनसू की दूरी करीब 140 किलोमीटर और कटरा से 80 किलोमीटर है। फिर रनसू से शिवखोड़ी गुफा जाने के लिए करीब 3 से 4 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। जिन लोगों को पैदल चलने में दिक्कत हो वे खच्चर ले सकते हैं। बाबा के पौराणिक मंदिरों के दर्शन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खुश रहिए और सदैव जपते रहिए। हर हर महादेव।